हो गया टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का ऐलान। जिम्बाब्वे से भिड़ेंगे पहले वनडे में ये सूरमा। इन खिलाड़ियों का कट गया पत्ता। टीम इंडिया जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला वनडे मैच 18 अगस्त को खेलेगी। केएल राहुल की अगुवाई में टीम इंडिया जीत के लिए तैयार है, लेकिन हर किसी की नजरें टीम इंडिया के प्लेइंग 11 पर है, क्योंकि इस दौरे पर कई युवा खिलाड़ी ऐसे गए हैं जिसको वनडे मैच में अपने बल्लेबाजी और अपने गेंदबाजी करने का इंतजार है। लेकिन उनमें से किन खिलाड़ियों का ये सपना पूरा होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो आइए जानते हैं पहले वनडे में वो कौन से खिलाड़ी हो सकते हैं जिनको प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा, और वो कौन से खिलाड़ी होंगे जिनका पट्टा कट जाएगा। राहुल धवन करेंगे ओपनिंग। पहले शिखर धवन इस दौरे पर कप्तान थे, लेकिन बाद में केएल राहुल की अचानक एंट्री हुई और वो टीम के कप्तान बन गए। ऐसे में केएल राहुल और शिखर धवन ही इस मैच में ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी काफ़ी एक्सपीरियंस है। धवन का तो आप जानते ही हैं कि उनके वनडे क्रिकेट में 6000 से ऊपर रन है। वहीं केएल राहुल भारतीय टीम के कप्तान है, तो उनका खेलना लाजमी है। ऐसे में ये दोनों खिलाड़ी ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। नंबर 3 पर शुभमन तो श्रेयस को भी मौका। अब आप सोच रहे होंगे कि केएल राहुल और शिखर धवन अगर ओपनिंग करेंगे तो शुभमन गिल का क्या। तो शुभमन गिल, जिन्होंने वेस्टइंडीज दौरे में जमकर रन बनाए थे, उन्हें नंबर 3 पर मौका दिया जा सकता है, क्योंकि भविष्य में टीम इंडिया शुभमन गिल को नंबर 3 पर भी ट्राई कर सकती है। ऐसे में शुभमन गिल को ये मौका भी भुनाना होगा। वहीं श्रेयस अय्यर की बात करें, जिन्होंने वेस्टइंडीज दौरे पर नंबर 3 पर बल्लेबाजी की थी, उन्हें इस दौरे पर नंबर 4 पर खेलने का मौका मिल सकता है। राहुल त्रिपाठी का भी होगा डेब्यू। अब आप सोच रहे होंगे कि इस टीम में तो राहुल त्रिपाठी भी हैं, जिन्होंने आईपीएल में कमाल किया था, और उनका डेब्यू कब होगा, क्योंकि राहुल त्रिपाठी कई दफ़ा टीम इंडिया के साथ देखे जा चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी भी पहले मौके का इंतजार है। तो ऐसे में राहुल त्रिपाठी का इस मुकाबले में डेब्यू करना मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि टीम में जो खिलाड़ी खेलने वाले हैं उनकी लिस्ट साफ साफ दिखाई पड़ रही है, और राहुल त्रिपाठी उसमें पीछे छूट रहे हैं। ऐसा दिखेगा गेंदबाजी अटैक। अब जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया का गेंदबाजी अटैक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम में भी कई शानदार बल्लेबाज हैं। उनकी टीम में इनोसेंत काया और सिकंदर रजा के रूप में दो धाकड़ बल्लेबाज मौजूद हैं, जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ खूब रन बनाए थे। ऐसे में अगर भारत के गेंदबाजी अटैक पर नज़र डाली जाए तो उसमें कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, दीपक चाहर जैसे गेंदबाज शामिल हो सकते हैं। ऐसी हो सकती है भारत की प्लेइंग 11। राहुल कप्तान, धवन, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन विकेट कीपर, दीपक हुड्डा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, दीपक चाहर, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा। तो दोस्तों, हमारे हिसाब से भारत की ये प्लेइंग 11 जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले वनडे में मैदान में उतर सकती है। आपको क्या लगता है, किसी दूसरे खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए या फिर ये प्लेइंग 11 परफेक्ट नज़र आती है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही क्रिकेट सूत्रा को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए।